शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। द लॉर्ड पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें श्वासें दी, एक फिर से एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी पिता, एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी दी आपने हमारे जिंदगी में। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे प्रियो, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन है परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, खुदावंद आपको छुड़ाने वाला है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को बचाने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। हमें विश्वास रखना है, मुश्किलें आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, तो आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आज हम जानते हैं कि हम टूट जाते हैं। आप अपने दिल में ये सोचते होंगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। मेरे प्रियो, हर समय हर घड़ी परमेश्वर का वचन आपके साथ रहता है, लेकिन तकलीफें भी आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, उसमें दिक्कतें भी आती हैं। आज हमें विश्वास रखना है, आज हमें धैर्य रखना है, क्योंकि जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे और धैर्य नहीं रखेंगे, हमारे दिल में धड़कन हमारी तेज होती रहेगी। इसीलिए आप सारी चिंताओं को छोड़िए, जीवन में कुछ नहीं रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में। यदि चिंता करने से हमारा जीवन अच्छा हो जाए, यदि आज आप बीमारी में पड़े हैं, आज यदि चिंता करने से आपके जीवन की बीमारी ठीक हो जाए, तो आप चिंता करिए। नहीं हो सकती है तो किस बात की चिंता। आज हमारा कोई काम नहीं सफल होता है, हमारे भी जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं 1300 में से 90 काम करता हूँ, यदि एक काम दो काम गलत भी हो जाता है, नहीं सक्सेस होता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, मैं उससे अच्छा करने जा रहा हूँ, उससे अच्छा तुझे देने जा रहा हूँ, जो आज तुझे चाहिए। जो हम सोचते हैं परमेश्वर कहीं उससे अधिक सोचता है। मेरे प्रियो, हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में आसमान और धरती का अंतर है। मेरे प्रियो, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, याद रखिएगा कि एक खरे व्यक्ति ने जब परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा था, राजा दाऊद के भजन के द्वारा जब हम देखते हैं, भजन संहिता हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति ने प्रार्थना किया था, क्या कहा था परमेश्वर से, हे यहोवा मेरा न्याय कर। आप परमेश्वर से खुले मन से कहिए कि परमेश्वर मेरा न्याय कर, जो भी मैंने अपराध किए, जो भी मैंने गुनाह किए, उसे क्षमा कर या फिर मुझे सजा दे पिता। जिस दिन आप अपने दिल से खोल करके कहेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर आप उसी दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर एक दुख और तकलीफों को दूर करेगा, क्योंकि आप अपना न्याय करवाने से डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा न्याय करेगा। जिस दिन आप खरे मन से बोलेंगे, इस सुबह के टाइम बोलेंगे, जितने भी काम के लिए, जितने भी जॉब के लिए, जितने भी कामों के लिए आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, खरे मन से कहिए कि पिता मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां, अपराध और गुनाह किया है, लेकिन मेरे ऊपर जो है उसका न्याय कर, उसे देख, उसे संभाल। फिर परमेश्वर से कहिएगा, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूं और चलूंगा और कोशिश करूंगा और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना रहेगा। यदि आज इस तरीके से हम प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद कहते हैं कि हे पिता मेरा न्याय कर और पिता मैं खराई से चलता रहा हूं, चलता रहूंगा, या फिर जिस तरीके से आप बोलना चाहते उस तरीके परमेश्वर से बोलिए, खुदावंद आपका न्याय करेगा। आप परमेश्वर की आपके ऊपर दया करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि आप अपना न्याय करवाना चाहते हैं। आप अपने सच्चे मन से परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेक देते हैं। जब परमेश्वर के सामने आप घुटने टेकेंगे तो खुदावंद आपको संभालने वाला है, वो आपको जीवन देने वाला है, वो आपको शांति देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर पर भरोसा हमारा अटल रहना चाहिए,
अटल बना रहना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम परमेश्वर पर विश्वास शुरू कर देंगे उस दिन परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा मुझको जांच और परख, मेरे मन को और हृदय को परख। जब ये बातें आप कहेंगे परमेश्वर से, आज जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में यदि ये बातें आती हैं कि हे यहोवा, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि मुझे जांच कि मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे क्या काम गड़बड़ कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको देखेगा। जब खुद ही अपने आप को एक अकेला छोड़ देंगे, खुद ही आप चिंताओं में रहेंगे, खुद ही आप अपने टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, बहुत सारी चिंताओं को लेकर के आप जीते रहेंगे, तो आप परमेश्वर से खुल करके कभी भी बातें नहीं कर सकते हैं। जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में है तो बहुत कुछ, लेकिन जब हम परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन में हम काम करेंगे, तो परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें देगा, बहुत सारी बरकतें देगा। वो संभालने वाला हमारा यहोवा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन मेरे मन और हृदय को परमेश्वर परखेगा, उस दिन मेरे जीवन में शांति आएगी, मेरे जीवन में भलाइयां आएंगी, मेरे जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं जाएंगी, जिस दिन हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर से कहिएगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरी आंखों के सामने है और तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल से चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना ही मैं कपटियों के समान कहीं जाऊंगा और ना उसके साथ कभी मैं बैठूंगा, ना खाऊंगा ना पीऊंगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का सिद्धांत एकदम क्लियर होना चाहिए। यदि कोई बुराई कर रहा है तो हमें बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो अपने घर का आदमी हो, अपने परिवार का हो, कोई भी हो। यदि वो बार बार गलतियां करता है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए। परमेश्वर ने कहा, एक नहीं, हजार नहीं, कितने भी हजार बार आप दूसरों के अपराधों को क्षमा करिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सुधारने की कोशिश ही नहीं कर रहा, वो गलत काम किए जा रहा है, गलत काम किए जा रहा है, आप उसका साथ कब तक देंगे? क्योंकि परमेश्वर भी इसके सख्त खिलाफ है। मेरे प्रियों, जिस दिन परमेश्वर ने कहा कि तू अपने जीवन से बुराइयों को छोड़ दे, क्या है जीवन में बुराई करना? जीवन में हम किसकी बुराई करते हैं? मेरे प्रियो, हम अपने आप की ही बुराई करते हैं। हम दूसरे की बुराई नहीं करते हैं, हम अपने आप ही करते हैं। हम किसी के दूसरे के मन के बारे में गलत सोचते हैं, उसके बारे में गलत सोचते हैं। किस कौन सोचता है? हम सोचते हैं। हम क्यों किसी के बारे में ये सोचे कि उसका काम सफल ना हो? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तो बहुत मतलबी है। अपने मतलब के लिए दूसरे इंसान को इस्तेमाल करना परमेश्वर को बहुत बुरा लगता है। मेरे प्रियो, जिस दिन हम अपने सच्चे मन से हर एक चीजों को छोड़ देंगे, चिंता को छोड़ देंगे, किस बात की चिंता? आज आपके बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, क्या वो जी नहीं सकेगा? क्या परमेश्वर उसे नौकरी नहीं देगा? क्या उसे जॉब नहीं मिलेगी? सब कुछ मिलेगा, लेकिन हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से रास्ते आपको देगा, आपके जीवन में देगा, आपके घर में देगा, आपके परिवार में देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है हर पल, हर समय, हर घड़ी के, कि यहोवा हमारा संकटों से छुटाने वाला है। जिस दिन हम ये प्रार्थना करेंगे, हर एक व्यक्ति के लिए है, हर एक बहनों के लिए है, हर एक भाई के लिए है, जो आज चाहे वो रोते हो, चाहे वो हंसते हो, चाहे वो खुशियां मनाते हो, चाहे किसी भी हालात में हो, आपको परमेश्वर को नहीं भूलना है। मेरे प्रियों, यदि आज हम भूल जाते हैं, हमारे जीवन में दुख आती, तकलीफें आती हैं, तो हम परमेश्वर को याद करते हैं, और जब हमारे जीवन में खुशियां आती हैं, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद भी करना भूल जाते हैं। और ये सत्य है, ये सत्य कड़वा है मेरे प्रियों, क्योंकि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन जब खुशियां आती है तो वो कहता है कि आज नहीं, मैं कल प्रार्थना कर लूंगा, लेकिन जब वहीं पे बीमारी आ जाती है तो आप दूसरे के लिए फोन करते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मेरे प्रियो, आप जब खुद इतने सक्षम हैं, इतने मजबूत हैं, इतने स्ट्रांग हैं, जब परमेश्वर ने सबको पवित्र आत्मा दी है, तो आज हम क्यों किसी के सामने कहें प्रार्थना करने के लिए? लेकिन हमें विश्वास रखना है, क्योंकि जब दूसरा कोई व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करता है, हम चंगे तो होते हैं, ठीक तो होते हैं, लेकिन जब हमारा विश्वास कमजोर हो जाएगा ना, तो उस पास्टर को उसको तकलीफ होती है। मेरे प्रियो,
हालेलुया, क्योंकि शैतान जो होता है इसी आड़ में लगा रहता है कि कब इसका विश्वास कमजोर हो, कब इसको मैं इसके जीवन में दुख और तकलीफें लाऊं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, आज हमें याद रखना है कि जिस तरीके से राजा दाऊद ने प्रार्थना करके परमेश्वर से कहा था कि मैं ना कपटियों के संग बैठूंगा और मैं सत्य मार्ग पे चलूंगा और कोशिश करूंगा और परमेश्वर तो मेरी मदद करेगा। परमेश्वर से जिस दिन आप कहेंगे उस दिन परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं कि जो नम्र लोग हैं पिता, आप उनका न्याय करिए, आप उनके जीवन के हर एक पापों, अपराधों और गुनाहों को क्षमा करिए पिता, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप जीवन देने वाले हैं, आप उद्धारकर्ता वाले हैं। हम सभी पापियों को बचाने के लिए आपने पिता अपना लहू बहाया, अपना खून बहाया पिता, ताकि हम उस लहू के द्वारा शुद्ध किए जाए पिता परमेश्वर। आपने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, हम ये विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ अपने हाथों को उठाए, अपने दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम लाइए, क्योंकि आज परमेश्वर आपके दिल को छूने जा रहा है, आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए, जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा, ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा सर्वोपदेशक का अध्याय 3 में, पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन
करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आप घबराइए मत, आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आपने जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है, हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए है। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, जितने मेरे बहने हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है, यीशु मसीह के नाम से स्टोन है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आज जांच करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसौलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली, यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सत्कलम 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 से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं, आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा इनके घर से, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाड़ विषाड़ निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे घर,
से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से, दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों नहीं हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से, अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। विदा परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।